नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल 24 की खास पेशकश बोले अरुणाचल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, कीचड़ में फंसे ट्रकों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन ट्रकों की तस्वीरें हैं जो सरकारी गोदामों से अनाज लेकर आपके गांव तक पहुंचाती हैं और फिर वो अनाज पीडीएस द्वारा आपको दिया जाता है, जिससे आपका पेट भरता है। अब आप सोचिए, अगर ये ट्रक्स आपके गांव तक नहीं पहुंचेंगे, अनाज नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या होगा? आपको अनाज, खासकर चावल, कहां से मिलेगा? आप क्या खाएंगे? दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठेकेदारों ने जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, सरकार को धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो नन कोऑपरेशन स्ट्राइक करेंगे और अनाज गोदामों से उठाकर गांव तक नहीं पहुंचाएंगे। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल्स में बताएंगे और ठेकेदारों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसी धमकी क्यों दी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल अरुणाचल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आप जानते हैं कि गाँव तक सरकारी अनाज पहुँचाने का काम एक सरकारी प्रणाली के अनुसार किया जाता है। इस काम के लिए सरकार ठेकेदार नियुक्त करती है और वे ठेकेदार सरकारी गोदामों से अनाज लेकर गांव तक पहुंचाते हैं। इस काम के लिए राज्य के हर ज़िले में कम से कम एक ठेकेदार ज़रूर है जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। अब अगर पूरे अरुणाचल प्रदेश में इस काम को कर रहे ट्रकों की संख्या की बात करें तो एक अंदाजे के अनुसार पूरे राज्य में हर रोज़ करीब 200 ट्रक्स इस काम में लगे हुए हैं जो अनाज की बोरियां गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक सड़क जाती है वहां तक ट्रक्स जाते हैं, उससे आगे जहां सड़क नहीं जाती है वहां इन बोरियों को खच्चरों पर लादकर या फिर पीठ में उठाकर भी अनाज की बोरियाँ पहुंचाई जाती हैं। ये सब आपको मालूम है, आप जानते हैं और इस तरह की तस्वीरें या वीडियोस आपने देखे भी होंगे। अब इस काम के लिए जाहिर है कि ठेकेदारों को सरकार पैसे देती है, लेकिन ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से सरकार ने उन्हें एक पाई भी नहीं दिया है। यानी अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक सरकारों ने ठेकेदारों का एक बिल भी क्लियर नहीं किया है, जिसका कुल अमाउंट करीब 40 करोड़ रुपए होता है। इसलिए अब ठेकेदारों ने यह फैसला कर लिया है कि वे उनके पास इसलिए अब ठेकेदारों ने यह फैसला किया है कि उनके पास नन कोऑपरेशन स्ट्राइक के अलावा और कोई चारा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पीडीएस एनएफए कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अगर उनके बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के अंतर्गत जो अनाजों का वितरण आने वाले दिनों में होना है वो उसका वर्कआउट करेंगे। इस बारे में हमने बात की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से, सुनिए वे क्या कहते हैं। ये 3 रिप्रेजेंटेशन अभी हम सबमिट कर चुका है तो गवर्नमेंट बोर्ड, ये हम लोग गर्भिन से इसको लेके ना, तो अभी भी गवर्नमेंट और लेते हम स्टेट गवर्नमेंट को ही अपील कर रहे हैं। देखिए, अपना नेशनल लॉकडाउन हो गया, आप लोग का फ्री चावल डिस्ट्रीब्यूशन 1 मंथ का हम लोग को है, उस दिन आपका मई और जून का और दो मंथ का और अनाउंस किया है। इसी का भी डायरेक्ट तौर का रिक्वेस्ट वजह से हम लोग उसको लिफ्ट किया है, नहीं तो हम लोग लिफ्ट ही नहीं करना था, तो हम लोग उसको बाइकॉट करने के लिए डिसीजन ले चुका था। एंटायर अरुणाचल का पीडीएस कॉन्ट्रैक्टर लोग मीटिंग करके
तो डायरेक्ट तो रिक्वेस्ट किया इसे आप लोग मार्क कीजिए, हम गवर्नमेंट लेवल से आप लोग का पेमेंट के लिए परसू कर देगा, काइंडली इसको आप लोग जैसे भी करके लिप कीजिए बोल के, हम दो मंथ का अभी लिप करके वो भी धमाधम बुक रहा है। तो अभी आपका प्राइम मिनिस्टर ने वो फाइव मंथ का और अनाउंस किया है ये गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आना योजना का। तो अभी हम लोग बिना पैसा पेमेंट होके हम लोग कितना अपना कैपिटल दार बाकी करके करते रहेगा, पेमेंट तो देना चाहिए। आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बोलता है थ्री मंथ में पेमेंट देना चाहिए, तो गाइडलाइन में भी क्लियर कट इसे लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो आगे पेमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से री एम्बर्समेंट करना चाहिए। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट जो तान आते नहीं है, इसलिए हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल DCM को ऑन बिहाफ ऑफ PDS होलसेल नॉमिनी इंटर और स्टेट का ऑन बिहाफ से मैं अपील कर रहा हूँ, जिसे भी जितना पेंडिंग बिल को 2019-20 और 2021 का वो बिल को जल्दी पेमेंट रिलीज कर देने से ठीक है। गवर्नमेंट ये हम लोग को एक साल के लिए टेंडर एग्रीमेंट करता है और टेंडर एग्रीमेंट में अभी नफसा का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हर 3 महीने में पैसा देने के लिए हम लोग बात किया है कि अभी हम लोग फर्स्ट 12/2017 को हम लोग ये किया 19 को ये किया मेमोरेंडम सबमिट किया मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की गवर्नमेंट को। सेकंड जो है 2/5/2021 को हम लोग सबमिट किया है मेमोरेंडम सबमिट किया है, अभी तक उसका कुछ हम लोग को पेमेंट नहीं है। फिर अभी प्रधानमंत्री जी का मोदी का चावल को 5-3 महीना और कैरेज करने के लिए बोल रहा है, तो हमारा पास पैसा आपने पेमेंट नहीं देगा तो हम कहाँ से लेगा। अगर गवर्नमेंट हमको समय पे पेमेंट नहीं देगा तो हम पब्लिक को कैसे सर्विस दे पाएगा, वो भी इस समय में। इंडियन एयरपोर्ट जो है इंडियन एयरपोर्ट चावल नहीं गिराने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 19 जुलाई 2019 मेरा सुनने में आया है तो उस समय से बंद हो गया, क्योंकि एयरपोर्ट्स को भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा देना है, लेबिलिटीज ज़्यादा हो गया, इसलिए एयरपोर्ट्स बंद कर दिया। अभी कहीं भी जगह में हम लोग को चावल मिलता नहीं। अब अरुणाचल प्रदेश में देखो हमारे यहाँ में तो खेती होता नहीं है, ये तो FCI डिपेंडेंट है। अगर FCI चावल पब्लिक को अगर दंग से नहीं देगा हमारा आम आदमी भूखा से मर जाएगा, कि जमावारी किसका, गवर्नमेंट और ये PDS कैरेज कंट्रेक्टर दोनों का जमावारी है। PDS कैरेज कंट्रेक्टर जो है हमको पहुँचाना है स्टेशन तक गोदाम तक हमको पहुँचाना है, उसके बाद पैर प्रेस सबको देना है, ये हमारा ड्यूटी है। और स्टेट गवर्नमेंट हमको उस चावल को सफिशेंट देने के लिए कॉन्ट्रेक्टर एक साल के लिए हमको अपॉइंटमेंट किया गया है 2 साल के लिए, तो उसमें हमको फुलफिल सर्विस देना है। तो अगर हम पैसा इधर से ये करके कलेक्शन करके धार करके ये करके हम काम करेगा गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं देगा तो हम पब्लिक कैसे सर्विस दे पाएगा। अगर पब्लिक को चावल नहीं मिलेगा ढंग से चावल नहीं मिलेगा तो बदनाम किसके हैं, ये गवर्नमेंट की बदनाम होगा, तो गवर्नमेंट बात में किसको ही पूछेगा। अल्टरनेट कैरेज कॉन्ट्रैक्ट जिसको जो नॉमिनेट किया है अपॉइंटमेंट किया गया है 2 साल जमावारी उसको चावल पहुँचाने का, तो गलती उस पर तैरेगा, वो गलत नहीं है ना, ये तो सरकारी का गलत है। और हम ये स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील की जो जितना हम लोगों ने काम करके रखा है उसको आप हम लोग को पेमेंट को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बिना रुका तका से हम लोग काम कर देंगे, सफिशेंट हम लोग चावल पहुँचा देगा। तो हमारा यही समस्या है कि गवर्नमेंट हमारा बात को हमारा मेमोरेंडम को नज़रअंदाज नहीं करके कि हमको ये पेमेंट रिलीज करने से ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, आपके घर तक पहुंचाने वाला या पहुंचने वाला अनाज आने वाले दिनों में पहुंचेगा या नहीं ये एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसा होने नहीं देगी और कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकाल लिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि अरुणाचल क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।